हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो को यूट्यूब पे कैसे अपलोड करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मैं पूरी तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाया था, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बातें समझाया था, कुछ बातें रह गई थी समझाने को। इस कारण मैं इस वीडियो में कंप्लीट में समझाऊंगा, कंप्लीट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और कैसे आपको अपलोड करना चाहिए अपने वीडियो को यूट्यूब पे, जो कि आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ सके, आपका वीडियो रैंक कर सके। तो ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए, ऐसा कौन सा ट्रिक है जो अपने वीडियो को अपलोड करते समय करना चाहिए, जो कि आपके वीडियो में भी नहीं होगा। अगर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अगर नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। यूट्यूब से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा प्लस का आइकन, प्लस के आइकन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन आएगा आपको। पहला आएगा क्रिएट अ शॉर्ट, दूसरा आएगा अपलोड अ वीडियो, तीसरा आएगा गो लाइव, और चौथा आएगा क्रिएट अ पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कि अपने चैनल पे आप अपना क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे होता है ना, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट आप डाल सकते हैं। तो ये चौथा नंबर का होता है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है वीडियो, तो यहाँ अपलोड है वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका वीडियो होगा, जिस फाइल में भी आपका वीडियो है उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या, आपका अगर नेट फास्ट है तो थोड़ा जल्दी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा टाइटल एंड टाइटल डालने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना टाइटल डाल देना, जैसे कुछ भी एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो हो वो टॉपिक का आपको टाइटल यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, XYZ कुछ भी मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यही जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा, मतलब जो भी टाइटल यहाँ पे लिखा, सेम यहाँ पर से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इस तरह से कॉपी करने का ऐड अ डिस्क्रिप्शन में सेम ऐसा ही पेस्ट कर देना आपको। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका टाइटल होगा उसको टाइटल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, हैशटैग लगाना है। जैसे आपको कुछ भी हैशटैग डालना हो, तो यहाँ पे मैंने कोई भी टाइटल नहीं डाला, इसका हैशटैग नहीं आ रहा। देखिए हैशटैग आ गया, बहुत सारा हैशटैग है यहाँ पे। हैशटैग में आप जिस भी कैटेगरीज का आपका हैशटैग, मतलब वीडियो होगा, उसी कैटेगरीज का आपको क्या करना है, हैशटैग लगाना है। जैसे कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ मैंने वीडियो बनाया है, तो उस पर क्या करना है, हैशटैग शॉर्ट्स लगा देना है। या फिर और भी कुछ है, जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो कैसे क्रिएट किए, तो शॉर्ट्स तो मैंने लगा दिया क्रिएट। अब क्रिएट फिर मेरे को क्या करना है, शॉर्ट्स वीडियो कैसे क्रिएट करें, शॉर्ट्स वीडियो को कैसे अपलोड करें, तो अपलोड भी एक क्या हो गया, आपका हैशटैग हो गया। तो यहाँ पे हैशटैग लगा देना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हैशटैग के बाद यहाँ पर अपलोड। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका अपलोड। यहाँ पे देखिए अपलोड वीडियोस तो बहुत सारे यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे अपलोड भी डाल देना है। तो इस तरह से आप अपना हैशटैग डाल देना है। हैशटैग डालने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। मेरा अपलोड किया हुआ है, इसी के मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक नहीं करूँगा। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको अपलोड पे लगा देना, आपका क्या अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जाना है आपको क्रोम के ब्राउज़र पर। आप दो जगह से कर सकते हैं, क्रोम के ब्राउज़र से या फिर YT स्टूडियो से, आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा क्रोम के ब्राउज़र से ही अपने चैनल को मैं क्रोम के ब्राउज़र से ही अपने चैनल पर मैं सब कुछ टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो भी होता है सब कुछ मैं वहीं से लगाता हूँ। कुछ चीज़ होता है जो YT स्टूडियो से लगाता हूँ, कुछ चीज़ होता है जो अपने क्रोम के ब्राउज़र से मैं लगाता हूँ। तो क्रोम के ब्राउज़र पे क्या करना है आपको, आना है क्रोम के ब्राउज़र पे। आने के बाद यहाँ का क्या करना है, आपके अपने चैनल पे लोगो पे क्लिक कर देना है। आपका चैनल का जो लोगो होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल है वो कस्टमाइज में मतलब खुल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा आपको जूम भी कर लेना है, जूम कर यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल क्या होगा, YT स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। तो मेरा चैनल अभी YT स्टूडियो में ओपन हो रहा है। तो YT स्टूडियो में चैनल ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे होंगे
कंटेन है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद आपको कंटेन है, कंटेन पे आपको क्लिक करना है। कंटेन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट वाला वीडियो अपलोड हो गया होगा उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, या फिर अपलोड में भी लगा हुआ होगा तो वहाँ पर से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मेरा सब कुछ लगा हुआ, सिर्फ आपको यहाँ पे मैं बताने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में लगा चुका हूँ, दिखा आपको सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए लगाया। तो यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड, टाइटल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना टाइटल डाल देना, जो भी टाइटल है आपका सेम टाइटल यहाँ पे डाल देना, फिर इसी को कॉपी करके आपको सेम यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल देना। और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मेरा टाइटल है, टाइटल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हैशटैग लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया, न्यू यूट्यूबर के लिए टॉपिक पर, न्यू यूट्यूबर किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो ये मेरा क्या था, ये टाइटल था। टाइटल के बाद मैंने क्या किया, हैशटैग लगाया है न्यू यूट्यूबर, हैशटैग टॉपिक्स, हैशटैग टेक्निकल फंडा। टेक्निकल फंडा तो मेरा चैनल का हैशटैग है, ये आपको लगाना हर हाल में ज़रूरी है, एक आपके अपने डिस्क्रिप्शन में और दूसरा आपको टैग में। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर योर क्योरीज लिख दिया, इसी तरह जिस तरह से देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे लिखा हुआ है, सब कुछ गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। योर क्योरीज करने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपने टैग डाला होगा, टैग जो लगाते हैं आप अपने चैनल पे या अपने वीडियोस में, वो टैग क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा टैग है, बहुत सारा टैग लगाया है मैंने। तो ये टैग जो है, ये टैग आपको कहाँ से मिलेगा, ये टैग दो जगह से आप ले सकते हैं, एक रैपिड टैग से आप ले सकते हैं और दूसरा आपको यूट्यूब पर खुद अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। यूट्यूब पे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैंने वीडियो बना दिया, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने पूरा जो मेरा टैग लिखा हुआ, टैग लगा हुआ है, यहाँ पे 500 वर्ड का आप टैग लगा सकते हैं, तो मैंने 500 वर्ड का टैग लगा लिया। साथ में मैंने क्या किया, टेक्निकल फंडा अपने चैनल का भी मैंने टैग लगा दिया। ये देने से क्या होता है कि आपका चैनल जो है हमेशा रैंक करता रहे, आपका चैनल हर वीडियो में अगर आपका हैशटैग करके या डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डाल देना है अपने चैनल का नाम, और यहाँ पे आपको टेक्निकल फंडा मतलब आपका जो चैनल है उसका टैग डाल देना है, तो उससे क्या होता है आपका जो चैनल है रैंक करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से जितना भी आपने टैग लगाया है, इसी टैग को क्या करना है आपको सिंपली से यहाँ पर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ, यहाँ पे इस तरह से करना है, इस तरह से कॉपी कर लेना है, यानी बहुत जितना भी चाहेंगे जो भी इस पर से टैग आपको कॉपी करना है वो सब टैग कॉपी कर सकते हैं आप, और नहीं तो आपको एक एक करके अगर लिखना है तो एक एक करके भी यहाँ पर से देख देख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। योर क्योरीज के बाद यहाँ पे जितना भी टैग है सब टैग को फिर यहाँ पे आपको सेम कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उस टैग कॉपी करने के बाद क्या कर देना है, फिर यहाँ पे आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब आप अपने बारे में क्या क्या, अपने आपका इंस्टाग्राम आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपने भाई को फॉलो करना, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, फिर उसके बाद फेसबुक का दे दिया है, फेसबुक पेज का दे दिया है, उसके बाद ट्विटर का दे दिया है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी दे दिया है, फिर उसके बाद नीचे में लिख दिया है डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, फिर इसके बाद लिखा इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर न्यू यूट्यूबर्स। उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लेलिस्ट जो होता है मेरा प्लेलिस्ट का मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिंक डाल दिया, यहाँ से भी लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में मैंने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो हैशटैग टेक्निकल फंडा। देखिए मैंने कितना किया, दो जगह मैंने एक ही डिस्क्रिप्शन में दो जगह हैशटैग टेक्निकल फंडा दे दिया। इससे क्या होगा, मेरा चैनल रैंक करेगा, हर वीडियो में सेम में हैशटैग आएगा तो मेरा वीडियो जल्दी रैंक करेगा। उसके बाद इतना कुछ कर देने के बाद आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ सेव है, सेव पे आपको यहाँ पर अभी मेरा ब्लैक दिख रहा है, आपको ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सीधा बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ से बैक करने के बाद क्या करना है, अपने YT स्टूडियो पे जाना है, आपको अपने YT स्टूडियो पे जाना है। तो चलिए YT स्टूडियो पे चलते हैं। YT स्टूडियो पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे में कंटेंट पे क्लिक कर देना है। कंटेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जितना वीडियो वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा कंटेंट पे क्लिक किया, मेरा वीडियो आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी वीडियो पे आपको क्लिक करना है जिस वीडियो को आपने यहाँ अपलोड किया, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सीधा आपका जो वीडियो है वो क्या होगा कि एनालिस्ट में ओपन हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो को ओपन होने दे, तो मेरा वीडियो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरा तो थंबनेल लगा हुआ लेकिन आपको भी यहाँ पे थंबनेल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, जैसे आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आपका वीडियो एडिट होने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
एडिट होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तो सब कुछ एडिटिंग वगैरह कर दिया, मैंने यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से एक बार पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर चेंज लिखा हुआ, यहाँ पर आपका आएगा थंबनेल, मेरा थंबनेल ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी कारण यहाँ पर चेंज लिखा हुआ। तो अगर आपका थंबनेल लगा हुआ नहीं होगा तो यहाँ चेंज की जगह पर आपको थंबनेल नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ वीडियो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ वीडियो आ जाएगा, उस यहाँ पे कुछ वीडियो, यहाँ पे आपको जो थंबनेल थंबनेल आ जाएगा, थंबनेल को आपको लगा देना है। यहाँ पे सिंपली से सेव कर देना, सेव करने के बाद आप सेव उस टाइम कर देना और आपको 10 मिनट तक छोड़ देना है, 10 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फिर से इसी पर आपको क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है। जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अनलिस्ट वाला आएगा ऑप्शन, आपको अनलिस्ट पर ही वीडियो रखना है, पब्लिक पर नहीं रखना। जो कुछ भी जितना कुछ भी कर रहे हो तब तक आपको अनलिस्ट पर करना है। अनलिस्ट पर रख के उसके सब कुछ जब हो जाएगा तब यहाँ पे पब्लिक पर कर देना, पब्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना, हो गया आपका पब्लिक हो जाएगा वीडियो। अगर और कुछ भी छूटा होगा तो यहाँ से आप सिंपली जाके चेक कर सकते हैं मेरा कि टैग कैसा लगा है, नहीं लगा, कुछ टैग छूटा तो नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप टैग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है नॉट नो इट्स मेड फॉर किट, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको परमानेंट जैसे कि बार बार सेव ना करना पड़े तो कैसे क्या करते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दिया है, जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि नो इट्स मेड फॉर किड, बार बार आपको अगर आ रहा है कि ऑप्शन आ रहा है कि हर वीडियो में अपलोड करते समय आ रहा है, तो यहाँ पर आपको परमानेंट कैसे करना है वो भी आपको दिखा दें, वो भी आपका वीडियो बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड प्लेलिस्ट आता है, उसको भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली से सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट कर, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।